हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते, तत्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि हमने पढ़ा कि महाराज युधिष्ठिर को समस्त ब्राह्मण लोग और स्वयं भगवान भी समझा रहे हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु महाराज युधिष्ठिर इस बात को, इस तर्क को मान नहीं रहे हैं और वो कहते हैं कि युद्ध में तो अनजाने में हत्या हुई है और वो तो एक भूल कह सकते हैं उसको,
एक गलती कर सके सकते हैं, लेकिन भूल से की गई हत्या को या जानबूझकर की हत्या करके उस भूल का परिमार्जन किया जा सकता है? उस भूल का प्रायश्चित क्या जानबूझकर हत्या किया जा सकते है? यज्ञ में भी तो हत्या होती है ना, तो क्या यज्ञ में हत्या करने से युद्ध की हत्या का नाश हो जाएगा? और वो बहुत बहुत तर्क कर रहे थे कि अब आप हमें सिखा रहे हो कि यज्ञ करें और भी ज्यादा हत्याएं करें जिससे हमें और भी ज्यादा अधिक अपराध लगे, बल्कि इस तरह से मुझे और भी अपराध लगेगा और अपराध जो हो गए हैं उनका नाश नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं आज से नहीं करूँगा, मैं भीख मांगूंगा, वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, शरीर के सुख का त्याग करूंगा, बस मैं इस पाप का बोझ और नहीं सह सकता। तो कृष्ण कह रहे, अरे भैया रुकिए, सुनिए तो सही। तो युधिष्ठिर महाराज, क्या सुनो बताओ? कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं नरक में गिरूंगा ना, आप तो नरक में नहीं गिरोगे ना, मुझे राज्य नहीं करना है। और इस तरह से उन्होंने बहुत बहुत तर्क किए। जब वो नहीं मान रहे तो भगवान ने कहा कि भैया जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप चलिए पितामह भीष्म से पूछते हैं, उनको तो आप मानते हैं ना कि वो ज्ञानी हैं और उनको तो आप उनके ज्ञान का तो आपको कोई संदेह नहीं है। तब युधिष्ठिर महाराज कहे थे हाँ वो वास्तव में ज्ञानी है। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास ले जाने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वाकई में भीष्म पितामह को अधिक ज्ञानी, वो बोलते थे कृष्ण को कभी कभी कि आप तो अभी कल के छोकरे, कल के बच्चे, आपको नहीं पता। ये बहुत सारी ऐसी बातें होती थी, फिर बोलते नहीं आपको ये नहीं पता, भीष्म देव को पता है, वो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछते थे, अक्सर ऐसा होता था। तो भगवान लेकर आते हैं और सूत गोस्वामी कहते हैं, श्लोक नंबर 1 मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रकात यत्र देव व्रतोपत इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्राकात यत्र देव प्रतोपतत इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्राकात यत्र देव व्रतोपतत इति भीत। वास्तविक बात ये थी कि क्योंकि बहुत सारी हत्याएं हुई थी ना इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो भीत मतलब बहुत डरे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इतने सारे जीवों की हत्या हुई है तो अवश्य मुझे बहुत पाप लगा है और उसके कारण मैं नरक में जाऊंगा। उन्हें बार बार अपने किए हुए अपराध याद आ रहे थे। इसी सूत गोस्वामी कह रहे हैं इति भीत, इस तरह से डरे हुए प्रजाद्रोहा, क्योंकि बहुत सारी प्रजा मारी गई थी। धर्म विवित्सया, धर्म विवित्सया का मतलब होता है सर्वधर्म विवित्सया, यानी समस्त धर्म की कार्य विवित्सया जानने की। अब वो ये समझ नहीं पा रहे थे, जज नहीं कर रहे थे कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, अपराध हुआ है या अपराध नहीं हुआ है। तो उस समस्त धर्म की को जानने के लिए ततो विनशनम प्रागा, विनशनम का मतलब होता है जहाँ पर अधर्म का विनाश हुआ है। प्रागाद मतलब आए, ऐसी जगह पर वो आए जहाँ पर धर्म की जीत होती है और अधर्म का विनाश होता है। वो कुरुक्षेत्र से धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र है जहाँ पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर, वो धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर इसके लिए आया है ततो विनशनम प्रागात,
जरूर ये विनाश की भूमि है। कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत विनाश हुआ था इसलिए इसे लिखा गया है तथो विनशनम ब्राह्मण, ये विनाश की भूमि है पर ये दुष्टों की विनाश की भूमि है। धर्म यहाँ पर विजयी होता है, ये वो भूमि है जहाँ पर धर्म की जीत होती है। इसीलिए तो थर थर कांप रहा था धृतराष्ट्र का मन जब इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में यह युद्ध रखा गया था। वो डरते डरते अपने साथी से पूछ रहा था, संजय मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध के लिए एकत्रित होने वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? वो जानते थे कि भूमि भी तो अपना रंग दिखाएगी, वो धर्म भूमि है तो अवश्य ही जो धर्मात्मा है उनका साथ देगी। इसी वो डर रहे थे ये पूछते हुए कि मेरे पुत्र जो कि अधर्मी है उन्होंने वहाँ धर्म की भूमि में जाकर क्या किया, क्या उनके हृदय से अधर्म खत्म हो गया था? वो पूछ रहे थे कहीं वो सलाह तो नहीं कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर सुत गोस्वामी कह रहे हैं ततो विनशनम प्रागात यत्र देवव्रतो पतत यत्र, जहाँ पर देवव्रत, देवव्रत भीष्म पितामह का पहले नाम था। जब तक उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं ली थी ना, उनकी भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी, जब सत्यवती से उनके पिता शांतनु का विवाह हो रहा था तब क्योंकि सत्यवती के पिता ने मना कर दिया कि सत्यवती के पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए और भीष्म पितामह क्योंकि शांतनु के पहले पुत्र थे वो राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो सत्यवती का विवाह तब तक कराने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि इस बात का वचन नहीं लिया जाता कि सत्यवती के पुत्र को ही राज्य मिलेगा। जब भीष्म पितामह को जब उनका नाम देवव्रत था, जब ये पता चला कि सत्यवती के पिताजी की ये शर्त है कि सत्यवती के संतान को ही राज्य मिले, तो उन्होंने जाकर सत्यवती के पिता के सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं देवव्रत तीनों दिशाओं धरती आकाश चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। जब उन्होंने ये अखंड प्रतिज्ञा ली थी तब उनका नाम भीष्म आया था और उससे पहले उनको देवव्रत कहा जाता था। तो यहाँ पर उसी नाम से उल्लेख किया है। सुत गोस्वामी कहते हैं यत्र देव व्रतोपतत, यानी वो वहाँ पर लेटा हुआ था। अपतत का मतलब होता है मरने के लिए लेटा हुआ था, अपने जीवन की अंतिम सांसें वो गिन रहा था। अनुवाद, सुत गोस्वामी ने कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे सारे लोगों का वध करने के कारण भयभीत महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नर संहार हुआ था। वहाँ पर भीष्म देव मरणासन होकर शरसैया पर लेटे हुए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी राजा युधिष्ठिर को भीष्म देव वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश दें, भीष्म देव भी इस मृत्युलोक में से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशय्या पर लेटे हुए थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था, अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर बढ़ रहे थे और कहाँ से आ रहे थे, हस्तिनापुर से।
हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आज भी बहुत लंबा रास्ता है, 90 माइल्स है। और वहाँ पर क्यों गए थे, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, इति भीतः प्रगाद प्रजा द्रोह, क्योंकि प्रजा का द्रोह हुआ था तो भयभीत थे, तो वो जानना क्या चाहते थे, सर्व धर्म विवेचया, समस्त धर्मों के नियमों को, समस्त धर्मों के जो नियम है उनको जानने के लिए गए थे। धर्म का मतलब है कर्तव्य। जैसे इस संसार में भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रम हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम किसी भी स्थिति में हैं, जैसे स्त्री हैं, पुरुष हैं, पुत्र हैं, बालक हैं, पिता हैं, जो भी हैं, तो हमारे कुछ न कुछ वास्तविक कर्तव्य हैं। राजा का भी एक वास्तविक कर्तव्य होता है। और वास्तव में धर्म की यही परिभाषा है, तो ये कि भगवान के प्रति वास्तविक हमारा जो धर्म है वो क्या है, कि हम जीवों का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। वास्तविक धर्म क्या है, सर्वे पुंसां परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षेते। तो हर एक वर्णाश्रम के अलग अलग धर्म होते हैं, परंतु चाहे आप किसी भी वर्ण में हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, वास्तव में आप क्या हो, आत्मा हो। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और उसका एक परा धर्म है, वो क्या है, यतोर भक्ति अधोक्षेते। धर्म इसी को कहते हैं कि आप किस स्टेज पर हो, आप कौन से वर्ण में हो, कौन से आश्रम में हो, आप क्या हो, तो आप उस समय आपका का क्या कर्तव्य है, उसको धर्म कहा जाता है। परंतु आजकल का व्यक्ति जब ये पढ़ेगा सर्व धर्म विवेचया, तो सारे धर्मों के विषय में जानने के लिए गए, तो समझेगा कि शायद क्रिश्चियन का धर्म, इस्लाम का धर्म, सिख मत का धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये सब जानने के लिए, ये सारे धर्म, तो उस समय इन सब धर्मों का तो नामो निशान भी नहीं था। ये तो अभी जो आधुनिक युग है ना, इसमें धर्म की ब्रांचेस निकल गई है। वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म है, जो कि जीव का मुख्य धर्म है, जिसमें जीव का कर्तव्य बताया जाता है कि वास्तव में आप कौन हो, आप का शरीर जो है उस समय इसका क्या कर्तव्य है, आप आत्मा हो तो आपका क्या कर्तव्य है। तो सर्व धर्म विवेचया मतलब ये सारे धर्मों को जानने के लिए वहाँ पर गए युधिष्ठिर महाराज, और उनके साथ तदाते भ्रातरः सर्वे सदश्चय सर्वभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा तदाति भ्रातरः सर्वे सदश्वै सर्वभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा तदाति भ्रातरः सर्वे सदश्वै सर्वभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा तदाति भ्रातरः सर्वे। जब वो कुरुक्षेत्र जा रहे थे, जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, तो अकेले वो नहीं जा रहे थे। तदाते उस समय भ्रातरः सर्वे सारे उनके जो भाई हैं, अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सारे सर्वे लिखा है, मतलब सारे भाई उनके साथ जा रहे थे। ये नहीं बोले कि देखो कृष्ण अब ये तो समझ नहीं रहे हैं, कब से रो रहे हैं, तो आप ऐसा करो, आप जाओ पितामह से जाके इनको थोड़ा सा समझवा के लेकर आओ, तब तक हम राज का संभालते हैं, जब आप इनको लेकर जाओ पितामह भीष्म के साथ थोड़ी क्लास सुना के आ जाओ, तो फिर
है ना, ये समझ जाएंगे। अभी हम तो कितना नया नया राज्य मिला है, कितना बिजी है हम लोग, इतना सारा कार्य है, तो हम ये सारे कार्य को छोड़ के अभी वहाँ पर बैठ के उनकी कथा सुनने के लिए थोड़ी चलेंगे। हमें तो और भी काम है, तो आप लेकर जाओ इनको, इनको जाके भागवत सुना वहाँ पर। लेकिन नहीं, वो सब तदाते भ्रातर सर्वे, वो सब गए। क्यों गए? सुनने के लिए गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्योंकि बहुत दूर का सफर था, इसलिए सदैश्वय स्वर्ण भूषित, वो ऐसे रथों में बैठ के गए। सद अश्वय, जिनके घोड़े जो थे वो स्वर्ण भूषित, सोने से अलंकृत थे। यानी कि अब जाहिर सी बात है, उनको हस्तिनापुर का राज्य मिला था, तो उनके पास बहुत सारा वैभव था और उनके पास बहुत सारा धन दौलत था, इसलिए सोने से उनके जो घोड़े थे ना, उनके भी ऊपर जो ज्वेलरी थी वो सोने की, स्वर्ण भूषित थे। अन्वगच्छन, अन्वगच्छन का मतलब होता है अनुगमन किया, रथाय, रथों पर बैठकर, वित्रो, हे ब्राह्मणों, यहाँ पर शौनिक ऋषियों को वित्र कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे वित्रो, हे ब्राह्मणों, अब स्वर्ण से लदे हुए घोड़ों के ऊपर, ऐसे रथों के ऊपर सवार होकर युधिष्ठिर महाराज और उनके सारे भाई वो वहाँ पर जा रहे थे। और उनके साथ कौन है? व्यास, धौम्या, दयस तथा वेद व्यासी, धौम्य मुनि, आदय मतलब इत्यादि दूसरे भी तथा इसी प्रकार। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि साक्षात वेद व्यासी, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, जो कि समस्त शास्त्रों की रचयिता है, वो जा रहे हैं भीष्म पितामह से उपदेश सुनने के लिए। धौम्य मुनि जा रहे हैं और बहुत सारे दूसरे भी ऋषि मुनि सब जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं, अनुगमन, अन्वगच्छन यानी उनका अनुगमन कर रहे हैं, ताकि क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं। वेद व्यास जी, जिन्होंने भागवतम महापुराण की रचना की है, जिन्होंने समस्त वेदों की रचना की है, वो जा रहे हैं एक क्षत्रिय राजा जो कि शिव सैया पर लेटा हुआ है, उनका प्रवचन सुनने के लिए। जानते हैं भक्तों कितना इम्पोर्टेंट होता है श्रवण करना, इसे हमें सीखना चाहिए। आजकल के लोग प्रवचन को श्रवण करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये शास्त्र से पता चलता है कि जब तक हम भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते, तब तक भगवान के लिए हृदय में कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए सारे भाई, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव सब जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ, क्योंकि भगवान ने कहा चलो वहाँ पर। क्यों जा रहे हैं? पहले श्लोक में बताया सर्व धर्म विविधताया, कि वो सारे धर्मों के विषय में बताएंगे, वो भगवत धर्म के विषय में बताएंगे। इसलिए सारे भाई जा रहे हैं और व्यास, धौम्या, दयस तथा व्यास देव जी, धौम्य मुनि और दूसरे भी बहुत सारे ऋषि उनके साथ जा रहे हैं। अनुवाद, उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से आभूषित उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे चले। उनके साथ व्यास, धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे, और उनके साथ साक्षात भगवान भी जा रहे हैं उनके लिए। आगे सूत्र गोस्वामी ने श्लोक में बता रहे हैं, भगवान अपि विप्रशे रथेन स धनंजय सतैव्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्यक। भगवान अपि विप्रशे रथेन स धनंजय सतैव्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्यक। भगवान अपि विप्रशे रथेन स धनंजय सतैव्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्यक। हे शौनिक,
भगवान भी प्रवचन सुनने के लिए गए। भगवान अपि विप्रेशो, हे विप्रेशी, हे ब्रह्मर्षियों, आप लोगों को ये सुनकर हैरत होगी कि साक्षात भगवान भी भीष्म पितामह का उपदेश सुनने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। भगवान इस तरह का आचरण करके दिखाते हैं कि देखो, श्रवण करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो महाराज युधिष्ठिर को बोल देते कि आप मेरी तो वैसे भी सुन ही नहीं रहे हो, मेरी बात तो समझ ही नहीं रहे हो ना, तो आप जाओ जाके भीष्म पितामह से सुनो। और मैं जा रहा हूँ अभी द्वारिका में, मुझे तो बहुत सारा काम धंधा देखना है। वहाँ पर भगवान द्वारिका के राजा हैं, द्वारिका छोड़कर हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं और हस्तिनापुर से जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहाँ पर भीष्म पितामह का उपदेश होने वाला है, जहाँ पर भीष्म पितामह अभी प्रवचन करने जा रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी वास्तविक भक्त के मुख से श्रवण करना। और हम हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें साक्षात श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान के शब्दों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु उत्साह नहीं होता हमारे हृदय में। तो यहाँ पर भगवान के विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं, रथेन सदनंजय, क्योंकि रथेन यानी रथ के ऊपर बैठ कर सदनंजय धनंजय के साथ, क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण का सारथी स्वरूप बहुत अच्छा लगता था। और कहते थे जब अर्जुन जब युद्ध चल रहा होता था, तब अर्जुन का रथ जब आता था भीष्म पितामह के सामने, और सामने भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते थे, तो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मृत्यु के समय यही छवि मेरे सामने हो। इसे भगवान अपनी भक्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उसी स्वरूप में वहां पर आए, सारथी बनकर आए। भगवान रथ चला रहे थे, हालांकि युद्ध तो हो गया था, लेकिन फिर भी जब भीष्म पितामह के पास वो आ रहे थे तो भगवान स्वयं रथ चला रहे थे और अर्जुन रथी बनकर बैठा था, क्योंकि भगवान का भक्त जो इच्छा करता है भगवान अवश्य उसको पूरा करते हैं। और आगे कहते हैं सुत गोस्वामी, सदैव्य रोचत नृपः, और ये उस समय जब ये सब जा रहे थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये सब जब युधिष्ठिर महाराज के साथ जा रहे थे, तो नृपः, नृपः मतलब राजा युधिष्ठिर, कुबेर इव गुह्य के, जब कुबेर जो देवताओं के वंशी है ना, देवताओं के जो कोषाध्यक्ष भंडारी है, उनके पास बहुत धन होता है, बहुत बहुत धनी है वो। और यहाँ पर सूत गोस्वामी सौनिक ऋषियों को बोल रहे हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े बड़े रथों के, इतने ज्वेलरी से लदे हुए घोड़ों के साथ जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर जा रहे हैं यक्षों के साथ, क्योंकि उनकी शोभा इतनी ज्यादा दिख रही थी, इतनी सुंदर लग रहे थे, जैसे कुबेर जो है वो जा रहे हैं बहुत सारे यक्षों के साथ मिलकर। तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है, तो क्या कृष्ण भी तो उनके साथ जा रहे थे, तो कृष्ण इतने साधारण लग रहे थे कि उनका नाम नहीं आया है यहाँ पर, लिखा है नृपः, जो युधिष्ठिर है वो कुबेर के तरह लग रहा था। तो यहाँ पर ये कि कृष्ण वाला जो संवाद है वो उन्होंने पहले ही कह दिया कि कृष्ण और अर्जुन रथी और सारथी बनकर आगे निकल रहे हैं, और पीछे जो है उनके युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई वगैरह साथ में आ रहे हैं, तो उनकी शोभा के बारे में बता रहे हैं। अनुवाद, हे ब्रह्म ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत ही राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों यानी गुह्यकों से घिरा हुआ हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी थाट पास से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है, यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे।
क्योंकि कृष्ण सहित यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। भीष्म पितामह की एक और भी प्रतिज्ञा थी भक्तों कि क्योंकि उनको ये वरदान था कि जब आप इच्छा करोगे तभी आपकी मृत्यु आपको प्राप्त होगी, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास। तो उन्होंने उस समय ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन एकदम सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखे, वो देखे पांडवों का वैभव, देखे पांडवों का जो राजसी ठाट पाट है वो देखे। इसीलिए भगवान इन पांडवों के साथ जा रहे हैं प्रसन्न करने के लिए भीष्म देव को कि देख लीजिए भीष्म पितामह, आज हस्तिनापुर का राज्य एकदम सुरक्षित हाथों में है, मैं भी उनके साथ हूँ, धर्म भी उनके साथ है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं सुख गोस्वामी श्लोक नंबर 4 में, दृष्ट्वानि पतितं भूमौ देवश्युतं इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ देवश्युतं इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ देवश्युतं निवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ, भूमौ कहते हैं धरती पर, निपतितं मतलब लेटे हुए, दृष्ट्वा मतलब देखकर। जब वो सब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह पृथ्वी पर लेटे हुए हैं और देवश्युतं इवामरं, देवी कहते हैं आकाश को, अश्युतं मतलब नहीं गिरते और श्युत मतलब जो गिरा हुआ हो। ऐसा लग रहा था इवा मतलब ऐसा लग रहा था, सदृश ऐसा लग रहा था, अमरम यानी देवता जिन्होंने अमृत का पान किया होता है उनको अमरम कहा जाता है, अमर होते हैं देवता। वैसे तो संसार में कुछ भी अमर नहीं होता है, एक न एक दिन देवताओं का लोक और देवताओं को भी क्षय होना पड़ता है, लेकिन फिर भी देवताओं को अमर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह के विषय में कह रहे हैं दृष्ट्वा निपतितं भूमौ, उन्होंने देखा पृथ्वी पर पड़े हुए भीष्म को और वो ऐसे लग रहे थे मानो देवता आसमान से नीचे गिरा हो, इतने सुंदर लग रहे थे मानो कि कोई देवलोक का कोई देवता जो है वो आकाश से नीचे गिरा हो। तो प्रणेमुः पांडवा भीष्मम्, जितने भी पांडव थे उन्होंने सबने मिलकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया क्योंकि वो उनके बड़े थे। और सानुगा का मतलब होता है समस्त अनुगामी जो उनके थे, जो उनके साथ दूसरे भी आए थे ना, वो सब अपने छोटे भाइयों सहित, यानी कि जितने उनके छोटे भाई थे उनके साथ सहचक्रिणा यानी चक्रधारी जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया, यानी कृष्ण के साथ सबने प्रणाम किया। तो यहाँ पर भगवान लोक व्यवहार सिखा रहे हैं। अब क्योंकि कुंती बुआ भगवान की फूफी हैं, तो भगवान की फूफा का के पितामह है भीष्म पितामह, तो भले ही वो भगवान है परंतु यहाँ पर लोक व्यवहार कर रहे हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। और दिख कैसे रहे हैं भीष्म पितामह, दिव्यश्युतं इवामरं, दिव्यश्युतं ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई देवता है। अभी आज का साधारण आदमी यदि 2 दिन हथियार से घायल हो जाए
और हॉस्पिटल में जाकर पढ़ा रहे तो कैसा दिखेगा? दो इतने सारे दिन हो गए थे युद्ध को और बहुत सारे समय के बाद यहाँ पर आए थे, तो इतने दिनों के बाद जब यहाँ पर ये लोग आए थे तो भी वो इतने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक कि हस्तिनापुर एकदम सुरक्षित न हो जाए। और एक उनके हृदय में ये इच्छा भी थी कि भगवान अवश्य आएंगे मुझसे मिलने के लिए। तो भगवान तो मौका ढूंढ रहे थे कि मैं आऊं उनसे मिलने के लिए। और वो आज का मनुष्य यदि चार दिन या दो दिन इस तरह से घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ा रहे तो मनुष्य जितना भी सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन भीष्म पितामह देवताओं की तरह सुंदर दिख रहे थे। अनुवाद: आकाश से गिरे हुए देवता के समान उन्हें भीष्म देव को पृथ्वी पर लेटे देखकर पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे कि भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे, अर्जुन के अंतरंगा सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे, अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्म को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। आगे सुख गोस्वामी बता रहे हैं: तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमं राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमं राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमं राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मऋषयः सर्वे, फिर वहां पर सारे ब्रह्मऋषि, देवर्षयश्च सप्तम, और जितने भी सत्वगुण को प्राप्त देवर्षि, यानी देवताओं में जो ऋषि होते हैं, पहले ब्रह्म ऋषि लिखा, यानी जो राजाओं में ऋषि होते हैं, जो ब्राह्मणों में ऋषि होते हैं, जो देवताओं में ऋषि होते हैं और जो राजाओं में ऋषि होते हैं, तत्रासन दृष्टम, वो सारे वहां पर आए थे उस स्थान पर, आसन यानी उपस्थित थे, तत्र आसन यानी वहां पर उपस्थित थे। दृष्टुम क्यों आए थे? देखने के लिए। भरत पुंगवा, राजा भरत के वंशज में प्रधान को, यानी कि राजा भरत के वंश जिससे भारत भूमि का निर्माण हुआ है, उनके भरत, राजा भरत वंश के अभी जो मुख्य थे, प्रधान थे, कौन थे? भीष्म पितामह थे। इसलिए उनको देखने के लिए आए थे राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए। ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि यथा राजर्षि वहां पर एकत्रित हुए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि का कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सत्वगुणी होते हैं, वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्रित हुए। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब ब्रह्म ऋषियों को, राज ऋषियों को, देवर्षियों को यह पता चला कि भगवान पांडवों के साथ मिलकर भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, तो वो सब आ गए। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तमः
राजर्षयस्य तत्रासः, यानी कि सारे सर्वे जो शब्द है वो सबके साथ लगेगा। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे, सारे ब्रह्म ऋषि, देवर्षयस्य सप्तम, सारे जितने भी सत्वगुण थे वो सारे, और वो भी ऋषि प्रभुपाद ने बताया जो भी ऋषि की पदवी को प्राप्त होता है वो सत्वगुण होते हैं, वो ब्रह्म ऋषि, वो देवर्षि, वो राजर्षि, वो सब मिलकर जब उन्हें पता चला कि अब भीष्म पितामह प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं, अब भीष्म पितामह का प्रवचन होगा, वो सब साथ में आ गए। क्यों आए? भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए सभी आ गए। अब पता उनको कैसे चला? ऐसे सोच सकते हैं ना, अभी वो भगवान ने लोग ने पहले वो पंपलेट तो नहीं छपाया होगा। नहीं, जैसे जब भगवान वहां पर रहते थे ना हस्तिनापुर में, तब कोई भी कार्य होता था तो नारद और उनके साथ भौम्य और अन्य दूसरे भी ऋषि होते थे, वो वहीं पर रहते थे। उन्होंने उनको जब ये पता चला कि भगवान जा रहे हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्रवचन होगा, तो उन्होंने फौरन से ये बात फैला दी होगी कि अब महाराजा युधिष्ठिर जो है वो कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सब आ जाइए सुनने के लिए। सब कह रहे थे कुरुक्षेत्र चलो, कुरुक्षेत्र चलो, कुरुक्षेत्र चलो, हल्ला हो गया था, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सब जुट रहे थे भीष्म पितामह के मुख से कृष्ण कथा सुनने के लिए। यहाँ पर जो सर्वे शब्द है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे का मतलब होता है सारे के सारे ब्रह्म ऋषि, सारे के सारे देवर्षि, सारे के सारे राजर्षि, कोई भी अपने आश्रम में नहीं रुका। ये आरसी ग्रंथ है। फालतू शब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर एक एक शब्द सुत गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सार्थक शब्द लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है हमें कि इस संसार में सबसे दुर्लभ विषय है, जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, वो है भगवान के विषय में कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना। श्रवण सबसे दुर्लभ है। वास्तव में यदि हमें भगवान के विषय में भागवत गीता या भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में आजकल के लोग जो हैं वो इस श्रवण के महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन भागवतम से साफ का पता चलता है कि तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे, देवर्षयस्य सप्तम, राजर्षयस्य तत्रासः, जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं, जितने भी देवर्षि हैं, जितने भी राजर्षि हैं, वो सब इस कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए और उनका प्रवचन सुनने के लिए सब एकत्रित हुए। अब आगे सूत गोस्वामी उन सबके नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो सारे कोई साधारण नहीं थे। कितने महान महान ऋषिगण आए थे भीष्म पितामह के मुख से ही प्रवचन सुनने के लिए, भागवत धर्म का प्रवचन सुनने के लिए। तो हम कल से आगे पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।